कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हमें क्यों अच्छा नहीं फील हो रहा, कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता मैं उनके बारे में क्यों गलत सोच रहा हूँ ऐसे, क्योंकि वो बैठ के शायद सोच रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ध्यान से बैठकर अपनी सोच को क्या करना है, चेक करके चेंज करना है, ताकि हम उनकी फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएं, ऊपर हो जाएं, उनकी लो फ्रीक्वेंसी हम पर असर नहीं करे, हमारी अच्छी वाली उन पर असर करे, जो हमारे लिए गलत सोच रहे थे वो भी थोड़ी देर में हमारे लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। मेडिटेशन मतलब दूसरों को अच्छी वाइब्रेशन भेजकर उनकी भी सोच को बदल दो। आज से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी के साथ भी अगर आपका थोड़ा सा रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है, जिनके लिए हम भी अच्छा सोचते नहीं आए वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते आए, अच्छा नहीं सोचना मतलब ये नहीं कोई हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन हर्ट होना ये भी तो अच्छा नहीं सोचना है, उदास होना ये भी तो अच्छा सोचना नहीं है, चिंता करना ये भी तो अच्छा सोचना नहीं है, लो वाइब्रेशन है। एक को चूज करना, कोई एक को आज चूज करना जिसके साथ आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हर रोज 5 मिनट जब मेडिटेशन में बैठे उसके बाद 5 मिनट उनको ऐसे सामने लेकर आए, माइंड पे याद करें, उनको सामने लेकर आए और उनको एक मैसेज भेजें, जो अब तक हुआ पास्ट ओवर फुल स्टॉप, आज से आपका और मेरा एक नया रिश्ता, नया कार्मिक अकाउंट, आज से मेरे में आपके लिए सिर्फ प्यार सम्मान और दुआएं, लव रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स, 3 लाइन सिर्फ, जो हुआ अब तक पास्ट ओवर, आज से नया कार्मिक अकाउंट, जो मैंने कभी आपके साथ किया था उसके लिए क्षमा, जो आपने मेरे साथ कभी किया था उसके लिए क्षमा, इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, इट इज फुल स्टॉप, एवरी डे, और फिर आज से मेरी हर थॉट आपके लिए कैसी, फुल ऑफ लव रिस्पेक्ट ब्लेसिंग्स। ये एक मैसेज की तरह है जो हम हर रोज भेजते हैं, एवरी मॉर्निंग भेजो, एवरी रात को सोने से पहले भेजो, बीच में अगर वो याद आ जाए कभी फटाफट से एक भेज दो। अगर ऐसे हम एनर्जी भेजते रहेंगे उनको, तो आपको लगता है उनके मन की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा। अब अगर ये नहीं भेजते तो हम ऑपोजिट भेजते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो भी क्या करेगी हमारे कार्मिक अकाउंट को। मेरे से निकलती हुई सारी एनर्जी हरेक के लिए साफ हो, मेरी एनर्जी मेरा कर्मा बनाती है, उनकी एनर्जी उनका कर्मा बनाती है, मेरा कर्मा मेरा भाग्य बनाता है, उनका कर्मा उनका भाग्य बनाता है, उनके कर्मे और उनका भाग्य की वजह से मैंने अपना कर्मा और अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं, लोगों से एनर्जी में उलझना नहीं। उलझने से एनर्जी क्या होती है, खिंचकर नीचे आ जाती है, जैसे आजकल लोग सड़क पे ही उलझ लेते हैं एक दूसरे से, सड़क पे ही उलझ गए, अननोन स्ट्रेंजर ऐसे ही खड़े हुए 10 मिनट, इतना उलझ गए, अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, नीचे खींचा, गाड़ी का ही नुकसान हुआ था ना, सिर्फ 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, कितना हो जाएगा, लेकिन जितनी एनर्जी नीचे खींचती है ना, वो उतनी सारी कॉस्ट भी उस एनर्जी को वापस नहीं ला सकते। तो उतरे, बात करें, अगर बात में कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है नमस्ते, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जितना कलयुग डिक्लाइन होता जा रहा है उतना आत्मा की शक्ति घटती जा रही है, उतना आप चारों तरफ देखो लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ, हुए ना उलझे, दुकान में खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एनर्जी इतनी उलझी हुई है। तो हमें ध्यान से अपने आप को प्रोटेक्ट करके क्या करना है, आउट। कोई करे भी शुरू, जैसे वो टग ऑफ वॉर होता है ना,
एक रस्सी को दो जने खींच रहे हैं, एक जना छोड़ दो, खत्म गेम, बोलो तुम अकेले ही खेलते रहो अपना गेम। नेवर एंडिंग एनर्जी वेस्टेज है, क्योंकि इतना एनर्जी वेस्ट करके फिर हम कहें मुझे खुशी चाहिए तो वो नहीं हो सकता। इट्स लाइक सारे पैसे अपने वेस्ट करके बोल दो मुझे बहुत सारी सेविंग्स चाहिए तो कहाँ से आएगा? सेविंग को सारा दिन क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा ना, वेस्टेज नहीं करनी इधर उधर गवा दिया सारा। सेव करना पड़ेगा, एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। तो एक है व्यवहार में नहीं उलझना, अब धीरे धीरे अटेंशन रख के यहां भी नहीं उलझना कि ठीक है व्यवहार में हम चुप रहे लेकिन अंदर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता है। नहीं, मेरा कर्मा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम वर्ड जो बोल रहे हैं, व्यवहार जो बोल रहे हैं, एनर्जी है जो बाहर जा रही है। जैसी एनर्जी बाहर जाएगी वैसे एनर्जी वापस आएगी। जो एनर्जी बाहर जा रही है वो मेरा कर्मा, जो एनर्जी वापस आ रही है वो मेरा भाग्य। कोई अगर आज मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? वापस आ रही है। तो सबसे इजी तरीका अपने मन को शांत रखने का, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंसर, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंसर, ये एनर्जी वापस क्यों आ रही है, आंसर, कभी तो भेजी होगी। पर फिर हम अपनी चेकिंग करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैंने कभी नहीं भेजी। बट मैंने कभी नहीं भेजी मतलब ये नहीं है कि शरीर ने भेजी नहीं, मैंने कभी नहीं भेजी, मैंने कभी नहीं भेजी तो वो तो मुझे याद ही नहीं है, वो तो मुझे याद ही नहीं है। ये वाली ड्रेस पहनने के बाद मैंने नहीं भेजी, लेकिन पिछली वाली ड्रेस में भेजी होगी, उससे पिछली वाली ड्रेस में भेजी होगी। जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस है उतना लॉ ऑफ कर्मा साइंस है, इट ऑलवेज वर्क्स। इस तरफ से कोई एनर्जी आ नहीं सकती जब तक इस तरफ से गई नहीं है, आ ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि जब वो आ रही है तो मुझे भूल गया है कि मैंने कब भेजी थी, क्यों मैंने भेजी, रिकॉर्डिंग हुई, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, 50 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, 500 साल, आई डोंट नो, नया शरीर ले लिया, उन्होंने भी नया शरीर ले लिया, मैंने उनको नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, पिछली बार क्या हुआ था वो हमें याद नहीं है, लेकिन एनर्जी दोनों पर वो रिकॉर्डेड है।